इतने गठ में प्राण और कभी तो दीन दयाल के तो भड़क पड़ेगी काने जी। हरी धरती माता तू बड़ी और तो तेरे ते बड़े भगवान और गुण विद्या धन देत है मेरे सच सचे नारायण और शेर चढ़ी देवी मिली तो गरड़ चढ़े भगवान और बैल चढ़े शिव जी मिले तो मेरे दो हृदय में ज्ञान। तो ये शिव कथा जिसको बमलेही भी कहते हैं ये हमारी सबसे पुरानी कथा है और ये कथा हम आपके सामने शुरू करेंगे। अब सुनिए हमारी ये बम लहरी। जिस समय राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ी यज्ञ रची, यज्ञ रचने में सब देवता लोगों को बुलाया और शंकर भगवान को नहीं बुलाया, तो पार्वती जी ने कहा पिताजी आपने शंकर भगवान क्यों नहीं बुलाए? तो राजा दक्ष ने कहा बेटी उसका रूप भयंकर है, उसका रूप देख के सब देवता लोग भाग जाएंगे, इसलिए शंकर भगवान को नहीं बुलाया। अच्छा, तो पार्वती जी अपनी शक्ति से कैलाश पर्वत पे पहुंचती है जहां शंकर भगवान समाधि लगाए बैठा था और कह लगी ए महाराज आप क्यों नहीं पधारे, मेरे पिता ने तो एक बहुत बड़ी यज्ञ रची। शंकर भगवान ने कहा पार्वती जी जब के तेरे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया अब कैसे आ सकते, हम नहीं जा सके थे। अच्छा कि हाँ अब यहीं से हमारी ये शिव कथा शुरू होती है, आप सड़े बड़े शांत है सुनिए। रामचंद्र शंकर का भजन कर, और
ਕੇ।